फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। अध्यक्ष महोदय, कोरोना वायरस की वजह से आज सिर्फ देश भर में नहीं पूरे दुनिया भर के अंदर जितने भी प्रिवेंटिव और प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा रहे हैं, सारे लोग, सरकार ने कहीं धंधे दुकानें बंद कर दो तो बंद कर दिए गए, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बंद कर दिए गए, लेकिन अध्यक्ष महोदय महाराष्ट्र के अंदर एक सरकारी बैंक ने कितना इनसेंसिटिव डिसीजन लिया है और मैं चाहूंगा कि उस डिसीजन का सभी लोगों ने निंदा करनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ये सरकारी बैंक है और उसने पूरे ब्रांचेस को एक नोटिफिकेशन और सर्कुलर जारी करके ये कहा है कि देश भर में कोरोना वायरस फैला हुआ है, लोग परेशान है, तो अपने इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स उसके अंदर बेचो। देखिए उसमें क्या लिखा है, लुकिंग एट द रिस्क ऑफ पैंडेमिक कोरोना वायरस एंड डिमांड ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस हैव इंक्रीज्ड, दिस इज द टाइम टू यूज दिस एज बिजनेस अपॉर्चुनिटी। ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र सर सरकारी बैंक है, जहां एक तरफ हम दूसरे लोगों को कह रहे हैं कि अपना कारोबार बंद करो, बल्कि यहां तक कहा है कि स्पेशल ड्राइव चलाओ इस पीरियड के अंदर कि कोरोना वायरस की वजह से जितने इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हम बेच सकते हैं बेचो, और जो सबसे ज्यादा बेचेगा उसको 3 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा, और उस बैंक का ब्रांच का जो अप्रेजल रहेगा वो इस बात के ऊपर निर्भर करेगा कि कितने इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स बेचे गए हैं। तो अध्यक्ष महोदय, हम चाहेंगे कि इस तरह की बैंक्स जो लोगों को इस मौके के ऊपर अपना धंधा कारोबार बढ़ाने के लिए जो कर रहे हैं, उनके ऊपर कुछ ना कुछ कार्रवाई होनी चाहिए।